ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है इनके आंसर मैं आपको लिख के बताता हूं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 1/(x+1) - 1/(x+2). अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं तो यार यहां पे हमारे पास आएगा 1/(2)(x+1) एंड प्लस 3/(1)(x+3). ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन आएगा। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर आप इतना फास्ट कैसे कर रहे हो, भैया आप भी कर सकते हो और मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक, उससे आप जो इस टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन है ये आप 30 सेकेंड्स में बहुत ईजिली कर सकते हैं। देखो कैसे मैं आपको बताता हूं। सो सुन, देखिए आप कैसे पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको लिखेंगे हम a/(x+1)+(b/(x+2). अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो इस a के जो डिनोमिनेटर है इसको 0 पुट कर दीजिए, तो यार यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी -1, तो यार a की वैल्यू क्या आएगी इसको छोड़ दो और बाकी जगह -1 रख दो, तो 1/(-1)+2), तो यार हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि यार b की वैल्यू निकालना तो b की वैल्यू के डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दीजिए, तो यहां पे हमारे पास x की वैल्यू -2 आ रही है, इसको छोड़ दो क्योंकि यहां रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी और बाकी जगह यहां पे क्या कर देंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या रख देंगे हम लोग यहां पे -2 रख देंगे, राइट। तो 1/(1) ये आएगा -2+1, तो यार यहां पे हमारे पास -1 आएगा। सुनिए a और -1 a की वैल्यू और b की वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिए, तो ये आएगा 1/(x+1)-1/(x+2). यार ये इसका क्या आएगा पार्शियल फ्रैक्शन आएगा। देखो मैं आपको और बताता हूँ, एक दो क्वेश्चन बताता हूँ आपको, 2 मिनट में क्लियर होगी चीजें। मान लीजिए अगर आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो क्या करेंगे यार, ये आएगा a/(x+1)+b/(x+3). अगर हम जानते हैं इस a की वैल्यू निकालें तो इसके डिनोमिनेटर को 0 पुट करिए, जब डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ रही है, इसका मतलब जो a की वैल्यू आएगी इसको छोड़ दो, है ना, इसको छोड़ दो, बाकी सब जगह सब -1 रख दो, तो 2-1+3/(-1)+3 ये आएगा -1+3, है ना, इसकी जगह क्योंकि तो इनफाइनाइट कर देगा इसको, राइट। तो इसमें इसको देखेंगे तो -2+3, तो ये आएगा 1 आएगा और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू, तो a की वैल्यू 1/2 आएगी। अगर आप चाहते हैं कि b की वैल्यू निकालना तो यार b का डिनोमिनेटर 0 पुट कर दो, तो यार हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी -3, इसमें इसको छुपाओ और यहाँ पे -3 रख दो, तो ये आएगा 2 × -3+3/(-1)), ये आएगा हमारे पास -3+1, तो आप देख रहे हो -6+3, तो यार -3 - 2 और आप सॉल्व करोगे तो 3/2 इसका क्या आएगा वैल्यू आ जाएगा। इसमें ये वैल्यू उठा के रख दीजिए आप, तो ये आएगा 1/(2)(x+1)-+3/(2)(1)(x+3) इज द आंसर। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। अगर आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन पता करना है यार कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, वही हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, a/(x+1)+b/(x-2). यार a की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x+1 को 0 रख दो, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1, इसमें इसको छुपाओ और जहां पर भी x है वहां पे -1 रख दो, तो यार आएगा -1+1/(-1)), ये आएगा -1 - 2, तो आप देख रहे हो -3 में से 1 गया तो -2 बचा और ये आएगा -3, तो यार हमारे पास ये एक तो 2/3 वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं b का, तो यार x-2 को 0 पुट करो तो x=2 आ रहा, इसमें क्या करेंगे यहाँ पे जहाँ इसको छुपाओ और यहाँ पे 2 रखो, तो ये आएगा हमारे पास 3 × 2+1/(1)), ये आएगा हमारे पास 2+1, तो यार हमारे पास आएगा 6 × 1 = 7/3, तो 7/3 आ जाएगा। इसमें ये सब वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो यार इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन आएगा वो आएगा हमारे पास 2/3(x+1), है ना, प्लस 7/3(1)(x-2), इसका क्या आएगा पार्शियल फ्रैक्शन आएगा। तो यार इस तरह से बहुत इजीली यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन आप कर सकते हैं। इसमें इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना। अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये आ रहा है a/(x+2)+b/(x+3), तो यार a एंड b की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी और आपको इसको सॉल्व करने में कितने सेकंड्स लगे, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइए। पापा का ये वीडियो मैंने एडिट किया है, अगर आपको इसके बिहाइंड द सीन्स और पापा का रिएक्शन जानना है तो ये वाला वीडियो क्लिक करो। अगर आपको मेरे को जानना है तो मेरे चैनल पे जाओ जमीन डाशू, आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। इसमें यहाँ जाके मेरी शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस अब आप देख सकते हैं, काफी अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना सेकंड्स लगे। धन्यवाद।